सीपीएम ने पानी और कूड़े के भारी भरकम बिलों के खिलाफ निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सीपीएम ने पानी और कूड़े के बड़े बिलों के लिए भाजपा शासित नगर निगम को जिम्मेदार करार दिया है। सीपीएम के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि जब से प्रदेश और निगम में भाजपा काबिज हुई है, तभी से हर चीज को निजी हाथों में दिया जा रहा है। निगम ने पानी का प्रबंधन एजेपीएनएल निजी कंपनी को सौंप दिया है, जिससे पानी के भारी भरकम बिल शहर की जनता को थमा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब भी जल प्रबंधन को निजी हाथों में सौंपने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन जब निगम में सीपीएम आई तो पानी को निगम ने अपने हाथों में लेकर शहर के लोगों को बेहतर सेवाएं दी थी। उन्होंने कहा कि शहर की बिजली पानी की व्यवस्था बनाना यहां के विधायक सुरेश भारद्वाज की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे हैं। उन्हें इसके लिए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आयुक्त नगर निगम के दफ्तर के बाहर जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जो पिछले समय से जब से जो है प्रदेश सरकार में व नगर निगम शिमला के अंदर जो भाजपा सत्तासीन हुई है, तब से वो जो है जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे पीने का पानी है, कूड़ा है, प्रॉपर्टी टैक्स है, उनको जो है निरंतर उनकी दरों में वृद्धि कर रही है। और जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में सरकार और नगर निगम ने निर्णय लिए हैं, उसके चलते जो है इन सेवाओं का जो है अब वो निरंतर जो है निजीकरण कर रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि पूर्व नगर निगम के द्वारा एक लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2016 के अंदर जो है एक ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई और सीवरेज सर्कल का गठन किया गया था, जिसमें सारी जो पेयजल की व्यवस्था है वो सरकार के आईपीएच विभाग और इससे अर्बन डेवलपमेंट से लेकर जो है वो अपने अधीन लिया था और पूरी तरह से सुचारू रूप से जो है उस पर कार्य किया था, और जिसके चलते जो है करीब आज 50 एमएलडी तक जो है पानी आ रहा। परंतु जैसे ही भाजपा नगर निगम में और सरकार में सत्तासीन हुई है, उसी तरह से जो है इन्होंने इस पानी की प्रक्रिया के निजीकरण का जो कार्य है वो आरम्भ कर दिया। और जिस तरीके से आपने देखा 2018 के अंदर जो है एक SJPNL कंपनी बनाकर जो है उसको किया है, और बहुत खेद के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है कि 8 और 9 महीने के बिल आम जो यहाँ का शहरी है, जो छोटा मोटा काम करता है, उसके हजारों और लाखों रुपए के बिल जो है उसके अंदर दिया है। जबकि पूर्व नगर निगम ने व्यवस्था बनाई थी कि हम जो है मई 2017 के बाद से जो है नियमित मासिक बिल देंगे, परंतु आज 3 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया, वो नहीं हुआ है। और उसके अलावा आप देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे विधायक हैं शहर के, वो शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनका कार्य है कि लोगों को जो है शहर के अंदर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें, परंतु जिस प्रकार का माहौल आज बना दिया, तो ये पीने के पानी की व्यवस्था का भी निजीकरण जो है ये भाजपा की सरकार और नगर निगम मिलकर कर रहा है। और ये पूर्व में अगर हम देखें, जब भाजपा की सरकार 2012 के अंदर थी, तब भी जो है इस भाजपा की सरकार ने यही MLA थे जो आज मंत्री हैं, और धूमल जी जो है उस समय मुख्यमंत्री थे, वो उस समय भी जो है इस पानी के निजीकरण को किया था, परंतु CPM को जो है लोगों ने यहाँ पर मौका दिया था, उन्होंने उस निजीकरण की प्रक्रिया को जो है वो कर दिया था। आज आप देख रहे हैं ये जो SJPNL कंपनी है, जो जल शक्ति विभाग के कर्मचारी है, नगर निगम के कर्मचारी है, उनको जो है वापिस खींचा जा रहा है और सभी पेयजल योजनाओं को जो है निजी हाथों में दिया जा रहा है। ये भाजपा की जो है ये पूरी तरह से एक साजिश है, सोची समझी हुई। पूरी देश के अंदर जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो है सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है, रेल का निजीकरण हो रहा है, सड़क का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उसी तरह से ये कर रहे हैं। तो आज हमारी पार्टी CPIM जो है इस पीने के पानी के निजीकरण के विरोध में जो है यहाँ प्रदर्शन कर रही है, और हम प्रदेश की सरकार और नगर निगम को जो है चेताना चाहते कि अगर इस पेयजल के निजीकरण की व्यवस्था को जो है वो नहीं बदलती, इस कंपनी को खत्म करके जो है ये पुणे जो है नगर निगम के अधीन इसको नहीं लाती, और ये जो हजारों लाखों रुपए के जो अनियमित बिल है जो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किए जा सकते, अगर इनको जो है इमीडिएटली विड्रॉ नहीं करती, तो ये आंदोलन कॉन्टिन्यूस होगा। और आज हम मांग कर रहे हैं, जो शहर के विधायक हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, वो शहरी विकास मंत्री हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए इस तरह की परिस्थिति के अंदर जो है। तो इसलिए आज ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। अगर सरकार ने जो है अगले 15 दिन के अंदर जो है इन बिलों को वापस नहीं लिया, और ये जो कूड़े के भारी भरकम बिल जो है वो दिए हैं, और हमारी पार्टी मांग कर रही है कि लॉकडाउन के दौरान का जो कूड़े का बिल है उसको माफ किया जाए, वो सरकार और नगर निगम नहीं करती है, तो एक बड़ा लंबा आंदोलन जो है शहर की जनता को संगठित करके जो है तो CPIM जो है वो चलाएगी।